इतना टाइम काहे लगा देलू तनु तू? ट्रैफिक। तू ही बतावा, तू नील से मिले गई रहलो ना, का कहला को? का कही, ए बार इतना हेवी डोज देके आयल बानी ना, ओकर बोलती बंद हो गई बा। उ भाई के तरफ आंख उठा के भी ना देखब। ऐसन का कहलू तू? जब हम वहां पे पहुंचनी त हम ओके बतावनी। तहरा पास सच में ओकर अगेंस्ट कोनो प्रूफ बा? इहे त फर्क बा तहरा में और हमरा में। तनु तू बिना कुछ सोच ले समझ ले अपन दुश्मन के खिलाफ प्लान बना ले बोले, और हम अपन दुश्मन के पूरा बायोडेटा निकाल के फिर प्लानिंग करी ले, काहे कि ओकर कमजोरी हमनी के ताकत बन जाले। इले तहर पैसा। आलिया अब ई का बा? उ कॉर्पोरेटर के बायोडेटा, अब जैसन हम कहब ओके वैसने करे के पड़ी, काहे कि ई समझ ले ई ओकर जाने त बा। काहे कि तोता के जान त ओकर गर्दन में होखेले, और ई रहल ओकर जान। ई बुलबुल हमके काहे फोन करल दिया? आलिया तू कहाँ बाड़ू? अब बुलबुल हमू टाउन साइड में आइल बानी, बताई का काम बा? आलिया कुछ प्लान कर रहल बिया, तब भी वो हमसे झूठ बोलत बा। उ बिया कहीं और बता कहीं और रहल बिया। बुलबुल काहेला फोन कहियू? एक्चुअली आलिया हमके तहार हेल्प चाहत रहे। हेल्प? सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी आलिया, प्लीज फॉरगिव मी। आई मीन देखो हम प्रज्ञा दी के किडनैपिंग के इल्जाम तरह पे लगाउनी, हमके इसे न करे के चाहत रहे। उकाबा की हम बहुत परेशान रहनी, तू समझ सके लू ना की हमार बहन किडनैप भइल बा? ता इट्स ओके बुलबुल, आई अंडरस्टैंड, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, हम समझ सकेनी। अब तू बताई की तरह के का हेल्प चाहिए? उ एक्चुअली हमके प्रज्ञा दी के किडनैपिंग के लेके क्यूआर पे शक बा, और हमके इमे तार हेल्प चाहिए। काहे कि हम जाने ले कि हम ओके अकेले ना ढूंढ पाई, सो प्लीज विल यू हेल्प मी? हाँ हाँ काहे ना, हम भी तो चाहत बानी कि किडनैपर पकड़ल जाओ, जे भाई और भाभी के आई डोंट नो कितना दिन से पकड़ के रख ले बा। यू नो वी ऑल आर वन फैमिली बुलबुल, हमनी एक साथ एक दूसरा की मदद ना करब तो के करे? वो एक्चुअली हम तरह के अभी ना बता सकब, ओकरा ला तरह के हमसे कहीं और मिले के पड़ी। ठीक बा, हम टाइम और जगह तरह की मैसेज कर देता नहीं। तू प्लीज हमके जल्दी से जल्दी आज मिल लिया, ठीक बा? एक्चुअली बुलबुल का बाना कि हम अभी टाउन साइड में बानी, तो हम तरह के बतावी ना हमके बहुत टाइम लग जाए, सो हम तरह के कल मिली। ओके ठीक बा, सी यू देन। बुलबुल के केहू और पे शक बा? का फर्क पड़ेला? ओके हमने पे तो शक नहीं खेना, वो हेल्प मांग रहा है तू हेल्प कर दो, और इहे बहाना तू ओकरा पे नजर रख पाईबा। मेक सेंस, अगर हमनी ऊपर नजर रखब त ऊ हमनी के कोनो प्लान में टांग भी ना अड़ाई। ई खेल अब तहार ना रहला लिया, इमे अब हम भी शामिल होखब, और अब ई खेल में हमार रूल चलिए। फिर तू कब अपन सच सामने लेके आईबा तरह के पता भी ना चली। एके का भाई अभी तक गुस्सा में रहा, अब टेंशन में बा। केकरा से बात करके आइल भाई, कहीं किडनैपिंग में केहू और तो इन्वॉल्व नहीं के, या एक और ऊपर एक और कोनो बॉस? हाँ, पता करे के होगी। ए फुगी, कोनो कहानी सुनावा ना, बहुत बोर हो रहा है बानी। का भाई ना आवेला? ठीक बा हम सुना बता। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एगो निकम्मा होत रहे, बिल्कुल एकरा जैसे, और ओकर कुछ साथी होत रहले, वो भी बिल्कुल ई लोग के जैसे। ए चुप कर, बहुत अगल तोर बकवास है, अब एक शब्द भी और बोल देना। बॉस हमने केकर वेट करता नहीं, अगर आप ऑर्डर कर दी ना
तो एक ए बिल्डिंग के दसवां माला से दो बार नीचे फेंक के दो बार जान से मार दी। अरे चुप, शांत रहो रे। मरे से पहले अपन भड़ास निकाल रहे हलवा बच्चा, निकाले दे आ? इतना गर्मी तोहरा ला अच्छा नहीं खे, हमके कुछ सोचे दे। हाँ तो हम कहाँ रही? हाँ वो निकम्मा आदमी, वो अपन फटीचर के दम पे खुद के मुंबई के डॉन समझत रहे। बाकी रहलू बस एगो कठपुतली, ओकर डोर तो केहू और के हाथ में रहे। उप उप जब भी कुछ भी करे की कोशिश करत रहे ना, ओकर बॉस ओकरा वापस खींच लेता। फिर एगो दिन वो बहुत बड़ काम कैलस, पर ओकर बॉस इनाम के नाम पे पता बका दिलस कुत्ता के पट्टा। बॉस ऊ पट्टा ओकर गला में बंधस और कहलस के आज से तू हमार परमानेंट बाव बाव कुत्ता, हम जहां बोलब ना वहां जाइए, जेकरा बोलब ओकरा कटिया। बेचारा शहर के डॉन बने चलल रहल और बन गई गली के कुत्ता। ए का बोला तू? अगर थोड़ा भी आवाज निकल ना तो सारा के सारा गोली तोरा भेजा में ठोक दे, समझ गेले? तू बॉस से परमिशन ले ला। का बोला तू? बॉस? हमार बॉस? हम खुद के बॉस ही समझ ले, आपन फैसला हम खुद लेवे नी, हम वानी बॉस, और बॉस के कोनो बॉस ना हो खेला, समझ ले? तो फिर मारत काहे नहीं खे? हां थोड़ा देर पहले तो 80s के विलन बन ले रहले, हमरा मौत के मजा लेत रहले, पर जैसे ही केहू से मिल के आइले सब आइडिया ड्रॉप कर देले। देख तेरा पास अभी भी मौका बा, जे तरह से ऐसा करवा रहल बा ओकर नाम बता दे, हम तोरा ऊपर से सारा केस हटवा दे। हमार बात सुन, तोर मौत माफ ना भइल बा, तनी सा वक्त देले बानी तोरा के, तू आपन ख्याल रख और आपन फिकर कर। इले हे ये दोनों पे नजर रखिया, हम आवाता नहीं। ए ये इतना आसानी से ना बताई, कुछ और सोचे के पड़ी। बाकी बा के एकर हमरा से का दुश्मनी बा? बहन जी हमके समझ में ना आ रहल बा कि हम आपके कैसे तसल्ली दी, हमार त आपन हिम्मत जवाब दे रहल बा, लेकिन फिर भी हमने के धीरज खोवे के ना चाही। आपके याद बाना वो आदमी का कहले रहला कि शायद अभी उ लोग के हाथ ना लगल होके भाग गइल होके, हमनी के ये सोचे के बा कि वो भागे गइल होखी, वो जरूर आई, हमार दिल कहत बा कि वो वापस आई। हे भगवान ऐसा नहीं होके हमार बच्चन के रक्षा करिए, हमार बच्चन के रक्षा करिए। बहन जी अब हमनी के भी चले के चाही, जैसे ही कौनो खबर मिले हमनी के बता दी। सरला चला बेटा, बहुत देर हो गई बा, जैसे ही कौनो खबर आई लोग हमनी के बता दी हैं, हमनी फिर आ जाए। चला उठ। बड़ी माँ एक रात तू अपन आजादी के रात समझ रहे मिस्टर नील ठाकुर, कहे कि अगर सुबह तक हमार भाई घर पे वापस ना आई तब तू जेल के अंदर होखबा। शहर के डॉन बने चलल रहल और बन गए गली के कुत्ता। ये आलिया तो हमरा के पागल करके रख ले भैया, का करी का ना करी, अभी के मारी तबो तकलीफ ना मारी तबो तकलीफ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि केहू के गुस्सा में आके अभी की जान ले ली। हाँ अगर ऐसा हो जाए तो अभी भी मर जाए और हम पे इल्जाम भी ना आए। हाँ, ये आइडिया तो हर दिमाग में पहले काहे ना आई नील ठाकुर, ऐसे तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटी। हाँ ऐसे नहीं करब, हम ऐसे नहीं करब।
प्रज्ञा, 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 अरे हटा, हटा ही हमार बेटी है ही, प्रज्ञा, 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 तेरा चोट तो ना लगा, प्रज्ञा, प्रज्ञा कहाँ हो गई, तेरा क्या, प्रज्ञा हमने तो बिल्कुल परेशान रहने की तेरा क्या हो गई, प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा तू ठीक तो बना, अरे क्या कर रहा है बड़ा कुछ करी ना, एम्बुलेंस बुला ला, क्यों डॉक्टर की बुला के लावा, प्रज्ञा की कितना चोट ना गलवा, प्रज्ञा देख हम आ गए नहीं बेटा, तेरा की कुछ ना होगी प्रज्ञा, हम तेरा की बचा ले बेटा, हम तेरा की बचा ले। बड़ी माऊ प्रज्ञा दी ना बने, आप ध्यान से देखी। अरे सरला, तनी होश के बात कर, देख तो सही ये हमनी के प्रज्ञा ना बा, ये केहू और बा। बड़ी माँ, दीदी का भाई आपके होश में आई, दीदी दीदी होश में, माँ जी दीदी के का हो गई। प्रज्ञा सरला बेटा, भगवान पे भरोसा रखा, दीदी कुछ ना भइल हमनी के प्रज्ञा के, चलो आ जाई, आ जाई, आ जाई ए फुगी, डोंट लूज होप, हमने कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, डरिया मत फुगी, हम बानी ना तोरा साथ है, हम अपना बारे में ना दादी के बारे में सोच रहल बानी और परिवार के बारे में सोच रहल बानी, फोन पे बात करके सब कितना खुश हो गए लोग, सब के तो पता भी ना कि हम सब जब हमने घर ना पहुंचे तो सब कितना निराश हो जाए, और दादी दादी टूट जाइए, उनके उनके केस समझाई एगो अभी तबानी जिकर एक प्रॉमिस उनकी जिंदगी भर की सब खुशी ला सकेला, और आप हमरा वजह से ही आबानी, हमन लकी बानी जानत रहनी, हमरा वजह से इतना लोग परेशानी में पड़ जाइए ही ना जानत रहनी, आप हमरा से एगो प्रॉमिस कर, आपकी अगर यहाँ से भागी की कौनो भी मौका मिली तो आप निकल जाइए, प्लीज हमरा बारे में मत सोचा, जब भी आप हमरा बारे में सोच ला तो खुद मुसीबत में पड़ गई ला, हमरा होकला ना होकला से कौनो फर्क ना पड़ेला, लेकिन लेकिन आपकी जिंदगी से बहुत लोगन की जिंदगी जुड़ल बा, दादी की खुशी जुड़ल बा, पूरा परिवार एक साथ बा, खुश बात तो सिर्फ आपके वजह से, आप ना होगी तो पूरा परिवार बिखर जाए, सब टूट जाए, हम अगर ना भी रही तो कोनो फर्क ना पड़ी, साथ माँ के कुछ दिला बुरा लगे, लेकिन माँ के पास बुलबुल भी आ, दादी भी आ, पूर भी आ, सब संभाल लिए माँ के, थोड़ा वक्त में सब नॉर्मल हो जाए, आप प्लीज यहाँ से चल जाए, कुछ भी कह के यहाँ से निकल जाए, उस सब के आपकी जरूरत बा हमार ना हो गई, या भी कुछ कहल बाकी बा, तरा हो का गेल बा, इतना मुश्किल से तोरा ढूंढनी, यहाँ से लेके भगनी, फैमिली के खुशी और तोरा एगो होप देनी कि हम अपन दिल प्रॉमिस जरूर पूरा करब, और तू कह रहल बाड़ू कि हम अपन जान बचाई, अगर हमके अपन जान बचावे के हो तो हम यहाँ पे आईती ही कहें, और वो पूरा बुर बुलबुल सब लोग तोरा के एक्चुअली ढूंढे में लागल बड़े, पूरा पुलिस फोर्स यहाँ वहाँ भाग रहा बा, और तू बाड़ू के रामायण खत्म हो गई बा, और सीता जी कह रहा बनी के अब हमके अयोध्या वापस नहीं के जाए के बा, और के कलश के तोरा ना रहे से कोनो फर्क ना पड़ेला, और अगर इतना आसानी से सबके लाइफ से जाए के ही रहे तो फिर इतना सारा रिश्ता बनौलू काहे, काहे बंटी बबली के इतना प्यार देलू के उस सारा दिन चाची चाची कहके बुलावत रहले, काहे दादी के इतना ख्याल रखलू के वो तोरा बिना अपन एक दिन इमेजिन ना कर सकेली, काहे सब पे अपन जादू चला के अपन बनेलू, यू नो व्हाट, आई एम अ रॉक स्टार, हमार लाख फैंस पड़े, पर हमार दादी उ कबो हमार फैन ना बनली, लेकिन वो तो हर सबसे बड़ फैन बाड़ी, उनकरा खातिर तू ही उनका रॉक स्टार बाड़ू, तू का कहत रहलू कि अगर तू वापस न गयलू तो कि तोहर माँ चार दिन रही है उकरा बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन हम कराल बनी कि अगर हम तोहरा बिना वापस चल गई ना तो हमार दादी चार दिन खुश रही है, लेकिन जिंदगी भर वो तोहरा के मिस करी है, वो अपन जिंदगी ना जी पई है,
और इस सब में तू चाहत बड़ो कि हम तोरा यहाँ अकेले छोड़ के चल जाई। कौना मुँह से हम वापस घर जाई। कहा कहा हम उनसे कि हम उनकर बहू के वापस ना ले आ पैनी, हम अपन दियल प्रॉमिस ना पूरा कर पैनी। फुगी तू अपन आइडियाज ना अपना पास ही रखा। काहे कि अगर तू कुछ और भी कह लू ना तो किडनैपर्स के कुछ भी करे से पहले ना हम तोहार फुग्गा जैसे मुंह के पिचका दे, समझ लू तू। इनके दिल में का बा, इनके वाकई हमार फिकर बा या फिर सिर्फ अपन प्रॉमिस पूरा करे चाहत बानी। बुलबुलीला चाय का सोचा तड़ो? दी और जीजू के अलावा कुछ सोच सके नहीं का। वहाँ एक तरफ दी और जीजू पता न कौन हालत में होके और दूसरा तरफ माँ पता न कौन हालत में होकी हूँ। हमके माँ के दिलासा देवे के चाहत रहे, उनके साथ ही रह के चाहत रहे, लेकिन हम यहाँ। लेकिन अच्छा बा पूरब जे हम उनका पास न बानी, अगर उनके सामने होती उनके दिलासा देती ना तो हम खुद ही उनके सामने रो पड़ती। पूरब थैंक यू सो मच, तू हमरा साथे बड़ा। अगर तू हमरा साथे न होता ना तो हम ही ना कर पाती। एगो बात कही पूरब, हमके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा बा कि दी के किडनैपिंग में आलिया के हाथ जरूर बा। बुलबुल आई डोंट थिंक सो। बुलबुल देखा तोरा के केहू पर शक होकर अलग बात बा, पर यकीन से कोनो बात कहल अलग बा। दोनों बात में बहुत डिफरेंस बा। हम अपना खातिर ना तोहरा खातिर कह रहा बानी। बुलबुल पिछला कुछ दिन में आलिया में जो चेंज आयल बा, ओकर बिहेवियर में चेंज आयल बा, उसे घर वाला केहू ऊपर पर शक ना करी, उल्टा सब तोहरा पर शक करिए कि तू ओकरा पर बार बार इल्जाम लगा रहा बाड़ो। और आलिया अभी के साथ ऐसा कैसे कर सके ले, वो अपन भाई के साथ है। चला मान लेता नहीं वो शायद पहले ऐसा कह लिया होगी, बट ए समय ए सिचुएशन में वो बुलबुल आई डोंट थिंक वो फिर से ऐसा करी। देखा तू ज़्यादा मत सोचा और ज़्यादा टेंशन मतलब सब ठीक हो जाए। ओके इला चाय पी ला बुलबुल। ए उठ रे उठ, बहुत हो गया आराम, काम के बारी बा उठावे के। प्रज्ञा जी इंटरवल खत्म, अब क्लाइमेक्स के बारी आ गेल बा। कारक स्टार बहुत थक चुकल होक बना तू त। चला कौनो बात ना, हम तोहरा के एगो कहानी सुनावत नहीं। वैसे भी तोहरा के कहानी सुनावे के बहुत शौक बना। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई एगो फ्लॉप रॉक स्टार, बिल्कुल तोहरे जैसा ना। आवाज अच्छा रहे लेकिन ओकर बहुत सही गावत रहे, पर दिमाग खराब रहे ओकर। जितना गाना ना गौलस ना उतना गलती कैलस। सबसे पहले गलती वो लड़की से शादी कैलस जेके वो प्यार ना करत। दूसर गलती आपन लव स्टोरी छोड़ के दूसरा के लव स्टोरी में टांग डाल लेलस, उहो एगो मैरिज हॉल खातिर। तीसरा गलती आपन पत्नी खातिर आपन जान जोखिम में डाल देलस, वो पत्नी जैसे वो प्यार ही ना करत रहे, जैसे ओकरा कुछ लेना देना ही ना रहे। समझदार तो तू बड़ा, नाम समझ गए ना कि नाम बताई? बोला बोला समझ गए ना केकरा बारे में बात कर रहा बानी हम? हाँ समझ गए ना। कारे अच्छा खासा गाना गावत रह ले, दूसर के काम में टांग अड़ावे की जरूरत का रहे तो रखे। अगर तू हमारे प्लान के बीच में ना होता ना तो तू अभी अपन गर्लफ्रेंड के साथ खुश होता और अपना घर में, और हमार शादी हो चुकल होत बुलबुल के साथ, हम ओकरा साथ खुश होती अपना घर में। कहे अइले रे तू? शराब चढ़ जाए ना तो खुद के सातवां आसमान पे ना चढ़ावे के चाहिए, मुंह के बल गिरे के डर रहेला। हाँ और एकरा ले जाके कहीं सुता दा, अरे हमके मारे के चक्कर में कहीं लड़खड़ा के बिल्डिंग से नीचे ना गिर जाए। अगर ये गिर गिलता तो तारा ही काम के पैसा के दी। ए! ए! शांत हो जाओ शांत हो जाओ। चल का बोल ले रे तू? हाँ तोरा के पता बा तुहारी ये स्टाइल हमके बहुत पसंद बा। हाँ तोरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल के बा यार। अगर तू रॉक स्टार ना होता ना तो सच बोल रहल बानी, हमार खास दोस्त होता। और अगर तू कॉर्पोरेटर ना होखत ना तो शायद होगे अच्छा इंसान होखत, लेकिन पैसा और पावर तुहार दिमाग के खराब कर देले बा। ए बहुत हो गए तुहार बकवास समझ ले। हाँ चल पॉइंट पे बात कर।
तो तू कहावत सुन ले होगा, सांप भी मर गई और लाठी भी ना टूटल। देख कर अल बड़ा, यहाँ तू सांप बड़ा और हम लाठी, अब तोहरा के ऐसे मारे के होगी कि तू मर भी जा और हमरा पे इल्जाम भी ना आवे। प्रज्ञा जी, आई एम रियली सॉरी प्रज्ञा जी। देखिए अब जो हम कर जा रहा बानी ना, वो आपके बहुत बुरा लागे। अब जाहिर सी बात बना, एगो पत्नी के सामने उकर पति के मारब ता बुरा ता लागी ना। हाँ लगी ना, का ब्रिलियंट आइडिया आयल बा हमारे दिमाग में। आ हम सोचने रहनी कितना इंटेलिजेंट बानी हम। ऐसा आइडिया आयल बा कि तोहर पति भी मर जाई और हमारा पे इल्जाम भी ना आई। ए गन लाओ। पता बाय के का कहले, का कहले के पता बा रॉक स्टार। हाँ पता बाय के का कहल जाला, गन घोड़ा। जब एकरा में से गोली निकले लेना तो इंसान के जान निकल जाला। और मजा के बाद बताई। हाँ मजा के बाद तई बा कि पकड़ल उहे जाला जे एकरा चलावेला। कहे कि पुलिस के ओही के उंगली के निशान मिलेला। हाथ आगे करा प्रज्ञा जी, आपके खातिर होली की। पकड़ा पकड़ा, अच्छा से पकड़ा पकड़ा। चलावा गोली। हम कहनी चलावा गोली। माँ जी अब बीपी के दवाई ना ले लू ना। अरे जानकी, अरे हमार तो जिंदगी ही दवाई पे चल रहल बा। हमार का उनकर सोचा, जेकर जिंदगी अभी शुरू भइल है कितना खुश रहनी हम सब लोग। क्यों घर आवे वाला बाड़े, अब पता ना ना जाने कहाँ भटक रहल बाड़े। माँ जी अब चिंता मत करी, देखिए वो अभी आ रहल होगी। जैसे वो पहले गुंडन के धोखा देके आ गेल रहले ना, इस बार भी देखिए वो उनके चकमा देके आ जाइब। भगवान करे ऐसे ही होके। पूर्वी बेटा सरला सुत गईल ना। हम आपकी दवाई पानी लेके आवत बानी। दादी आंख तो बंद कर लेनी, अब सूत गई नी कि ना पता नहीं के। आपके पता बना, जब माँ बहुत बोलनी तो हम लोगन के टेंशन हो जाले, और अब जब कुछ ना बोल रहल बानी ना तो टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई बा। पूर्वी का कर रहल बाड़ू बेटा, अभी तो हमके तसल्ली देत रहलू ना, और अब रो रहे बाड़ू। ना रोवे के ना, रोवे के ना, हमार बात ध्यान से सुन। जब इंसान पे ना बहुत सब परेशानी बहुत सब मुसीबत आ जाव ना, तो समझ ले लेके चाहे कि बहुत जल्दी अच्छा दिन आवे वाला बा। बेटा हर दिन एक जैसे ना होखत, अच्छा दिन ना रहल तब बुरा दिन भी ना रही। बस हमनी के हिम्मत ना छोड़े के बा। बिल्कुल हिम्मत ना छोड़े के बा हमार बच्चा, सब ठीक हो जाए। हम मजाक ना कर रहल बानी, गोली तोहरा के ही मारे पड़ी। गोली चलेबू तू और मरी, और नाम तोहार आई कल के अखबार में कि रॉक स्टार अभी के बीवी खुद अपन हाथ से अपन पति के कत्ल कर देलस। और फिर तू तोहरा के हम छोड़ देवा। तोहरा के मरला से का फायदा, कहे कि वैसे भी आधा तू सदमा में ही मर जाएबू और आधा आपन घर वालन के ताना से। चलाओ गोली। तू पागल तो ना हो गई ला, हमका दुनिया की क्यों भी लेके ऐसा ना करी। हम आपन पति पे गोली कैसे चला सकी नी। हम आपन हाथ से आपन सुहाग ना उजार सके। सुहाग कैसे सुहाग? हाँ ये तोहरा से प्यार भी करेला, प्यार करेला तू एकरा से? ये तोहरा से कोनो प्यार व्यार ना करेला। प्रज्ञा जी आपके करवा चौथ के व्रत में ही कोनो कमी रह गई होगी। देखी ना
दूसरन के बीवी अपन पति के लंबा उम्र के कारण बनेली और आप एकरा छोट उम्र के कारण बन रहल बानी। गोली तो तोरा चलावे के ही पड़ी। तू कुछ भी कला, हम गोली ना चलाएब, हम ना चलाएब हम गोली। अपन जान दे के भी ना। आपन फैसला बदला, वरना हम आपन फैसला बदल दे। आ गए ले ना अपन औकात पे, हम के मारे खातिर औरत के सहारा लेता रहे। का औरत औरत लगा रख ले बड़ा, एक तरह से तू लोग बोले ला कि औरत मर्द के बराबर ही है और आज बोला है बड़ा औरत औरत। हाँ चलाओ गोली, चलाओ गोली। छोड़ो के ना छोड़ो, तू कुछ भी कला, हम गोली ना चलाई। आई सेड लीव हर। चलाओ वरना मार देबे करके। चलाओ वरना हम एकर भेजे उड़ा दे, हम कह रहल बानी। हम तीन तक गिन रहल बानी, एक दो। तू ऐसे ना बन पुए। एकर तब खोले के खोल, चल 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 मार एकरा, मार वरना हम एकर भेजे उड़ा दे। ये देख कर रहल बड़ा, हाथ पकड़ाओ कर, ओकरा से गोली चलवावा। इतना ना कर सकेले तू लोग, चलवाओ ओकरा से गोली। ना ना प्लीज, ऐसे मत मारो प्लीज, मारो वरना हम मार देब। करा बोल रहल बानी, हम तीन तक गिन रहल बानी आखिरी बार। सच में चला दे गोली, बाद में मत बोलियो तू हमरा के। ना प्लीज प्लीज ना, हमारी करा मारू देखबो तू। एक अरे अरे भाई, गोली भाई 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 गोली देखा, ये की गोली। अरे भाई की गोली लग गई। आ ओ गॉड जी, कितना सर दुख रहल बा, जैसे हथौड़ा पर रहल बा। मितानी कापी ले लू रहलू तू। ई दोनों लेके कहां गई बानी? आलिया तनु कहां बाड़ू तू दोनों? आलिया तनु मिताली भाभी काहे चीख रहल बाड़ू आप? हाँ आगे नहीं, हम दोनों काहे चिल्ला रहल बानी बताई? आलिया तनु सब कुछ खत्म हो गई, सब बर्बाद हो गई, भंटा धार हो गई। वो पुलिस है ना, वो पुलिस आ रहल बिया, वो हम लोग के पकड़ के ले जाए, अब हमनी ना बच पाई। के कर बात कर रहल बाड़ू, के आई के लेके जाये? वो पुलिस वाला वो देखी वहाँ आ रहल बाड़े, वहाँ से आ रहल भाई, वो हम लोग के पकड़ के ले जाए। तू दोनों के तो कुछ ना, सबसे पहले हम के पकड़िए। भाभी भाभी केहू ना वहाँ पे, कौन पुलिस ना आयल बा देखी? अरे हम के का बोल रहे बाल, हम अपन आँख से देख लिया, कान से सुन लिया, पुलिस के जीप के सायरन भी सुन लिया, वो हम के पकड़ के ले जाइए। मजाक कर रहल बानी का आप? ना हम मजाक ना कर रहल बानी, सच कर रहल बानी। हम देख लिया और वो पुलिस वाला अकेले ना बाड़े, अभी और प्रज्ञा भी साथ बाड़े। अभी और प्रज्ञा ना हमनी के सच उनके बता दे ले, अब हमनी के पकड़ के लेके चल जाइए। हम लोग के का होगी, तू दोनों तो बच्चाई में मार का होगी। ताली भाभी आप चुप हो जाए, फालतू के बकवास कर रहल बानी, आपके नींद पूरा ना भल जाके सूझ जाए। नींद के नशा नहीं भांग के नशा, जाके कॉफी पी के आई। अरे का कॉफी पी के आई, जब पुलिस पकड़ के ले जाई ना तब पता चली। हम तहरा के आगे हाथ जोड़ दवानी, हमके बचा ली, कुछ तो करी हमरा खातिर, कुछ सोची। बोल दिया तू कि प्लान तू बने ले रहलू, हम तो बस तहरा साथ भी ना बानी, हम कुछ का शिशी कर रहल बानी। देखिए हमार छोट छोट बच्चा बानी, पति जेल में चल गई बाना, हम भी जेल में चल जाए तो हमार का होगी? हमार बच्चन के संभाली तू संभालबू? चला बंटी भी तहार, बबली भी तहार, संभाल लेबू ना उदनों के। ओ गॉड, भाई और प्रज्ञा वापस ना आ सकत। काहे ना आ सकत? आपके तो कुछ पता बाना, आप ऐसे ये चीखत चिल्लात रहनी हर वक्त। वो दोनों ऐसे वापस ना आ सकत काहे कि किडनैपर उनके दोबारा किडनैप कर ले ले बा। हमके ना माने के बता हर बात, हमके पता बा तू झूठ बोल रहल बाड़ू, तू दोनों मिलके हमके फसावे चाहतारू। अभी पुलिस आके हमके पकड़ के ले जाए, यहाँ खड़ा खड़ा देखत रहबू तू। शट अप मिताली भाभी, वो दोनों ऐसे ना आई काहे कि हम खुद उनके कॉर्पोरेटर के पास देखनी है, समझ लू आप? और अगर अगला बार भांग संभल ना जाओ तो प्लीज पीहा मत, जाए कमरा में और चीखिया मत, वरना केहू सुन ली।
सुन ली का सुनने लग हा? अच्छा भाई लालिया तुम के अहिजे मिल गए लो वो हमके तरह से कुछ इम्पोर्टेंट बात करे के बा हाँ बोली ना बुलबुल यहाँ ना आलिया इम्पोर्टेंट बात था तो बेटर हुई कि अंदर जाके बात करल जाओ ऐसा भी का बात भी बुलबुल तू हमने सामने बात कर सके लू और वैसे भी हम आलिया के तो दोस्त बानी तू आलिया के दोस्त बाड़ू हमार ना और वैसे भी हम उन लोगन के सामने कोनो भी बात ना करेले जेकरा पे हमके ट्रस्ट नहीं के ओह तो तरह के हम पे ट्रस्ट नहीं के मतलब तू हम पे शक करे लू मतलब तू हमार दोस्त के साथ मिलके गेम प्लान कर रहा बाड़ू राइट तनु रिलैक्स अगर बुलबुल हमसे अकेले में बात करे चाहत भी तो इमें प्रॉब्लम कहा बा डोंट वरी बुलबुल आई साइड में चल के बात कर ले जाओ देख लू तू हो गई ना बंटाधार देखी कैसे लेके चल गई लालिया के हम कहत रहनी ना कि हमारा सपना पूरा हो कि हो गई पूरा वो राज बुलबुल के अब पता चल गई वो घर में सबके बता दी क्योंकि कुछ पता ना चली अरे कैसे पता ना चली और तारा के कैसे पता भैया कि केहू के कुछ पता ना चली और बुलबुल के कुछ पता नहीं के हमके तो लागत आओ के सब पता बा और उ ना पता होके के नाटक करल भैया आयल समझ में तू देखी ना उ, 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 आलिया के बचा ली और हम दोनों फंस जाए पुलिस हमनी के जेल लेके जाए ई तो कन्फर्म है बस बस कोनो मूवी देखे आयल बाड़ू कब से बोले जात बा खुद तो डरल बाड़ू हमके भी डरा रहल बाड़ू खुद तो डरल बाड़ू हमके भी डरा रहल बाड़ू अरे जब पुलिस पकड़ के लेके जाई ना तबे पता चली जल्दी 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 लेके चला ए उठाओ ए जल्दी कर हट हेने आओ जा के उन दोनों के भेजा उड़ा दे हमरा पे गोली चला लो नील ठाकुर पे गोली जो जो मार दे उन दोनों के नर्स नर्स आराम से आराम से आराम से आराम से भाई के कुछ होके के ना चाहिए क्यों क्यों हमके इंजेक्शन ना मारी क्यों हमके बेहोश ना करी हट डॉक्टर हटाइए के अन्ना इंगे मेले चिप होएगी अन्ना अन्ना माली इल्ली ये नड़ा इंगल है वाला नूर बेटे अन्ना होगड़ी ले बोला तारा समझ में नहीं किया बात अरे हमार पैसा ना तो लग रहा के अरे ये तोरा अरे चुप बॉस मर रहा बने तोरा पैसा के लगल बा बॉस के ऊपर गोली चलाऊ लो हाँ और तरह के पतावत पानी हम गोली चलावे के मतलब का हो खेला तू तो गईल ए सुन ये प्रज्ञा के हम मारता नहीं और तू अभी के मार एक दू अच्छा दोनों साथ में मरे चाहत बड़े ठीक बा इच्छा भी पूरा कर देता नहीं ए रुक जावा इन पे क्यों गोली न चलाई ए हट कहे रुकब तू सुन ला ना बॉस का कालो हाँ हाँ बॉस काले रहले इन दोनों के मारे खातिर बॉस के गोली लग गई ये खातिर काले रहले गुस्सा में काले रहले इस समय बॉस के अच्छा होकब जरूरी बा बॉस खुदा के इन दोनों के गोली मार दी तब तक ला रुक जा सही बोल रहा बा कखा सही बोल रहा बा ई बॉस के ऊपर गोली चलाऊ लग लागू शंकर सही कह रहा बा भाई के होश में आए के इंतजार करल जाए ओकरा बाद वा के अपन हाथ से दोनों के गोली मार दी बोल तो सही रहल बा वैसे भी जब बॉस गुस्सा में होके ले तो कबो हाँ बोले ले तो कबो ना बोले ले एको काम करा रे ये दोनों के बांध दा जल्दी अलग करा अच्छा तरह से टाइट बांधा चलो रे चलो कबल तो हर पसीना का है छूटा था फुग्गी अब हमके ई मत कहिया कि यहाँ पे हम एसी लगवा दी तनी चारों तरफ देखा ही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बा यहाँ पे पहले दीवार बनी उकरा बाद रूम बनी फिर इंटीरियर होगी उकरा बाद ही तो एसी लगवा पाइब ना
और तब तक के इंतजार तू करिया कहे कि हम जाके कमरा में एसी के हवा खाई। गोली आपके लग जात। लग जात ताके का मतलब है? कैसे लग जात? हाँ बड़ बड़ तो हम कछू ना पहले और तोरा लगत बा हम के एगो छोट से गोली छू के चल जात। और वैसे हम जाना तानी ना कि तोहार निशाना कैसन बा। देखा तू निशाना हमरा पे लगाई ले रहलू तो जाहिर से बात रहे कि गोली कॉर्पोरेटर के ही लागे के रहे। हाँ अगर तू कॉर्पोरेटर के निशाना बनी ले हो तू ना तो वो गोली आके जरूर हमके। आई नो बैड जोक लेकिन हमने वो सब के बारे में काहे सोचल बानी जन नहीं के भाई। अभी सोचा कि हमने कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। अरे ए फुगी ये इतना गंदा जोक ना रहेल कि तू रोना शुरू कर देलू। अपन अपन आंसू पोछा। व्हाई यू क्राई? हाँ तो कुछ भी नहीं समझे आपके पता भी नहीं कि हमरा पे का गुजरल भी गोली अगर आपके छू के भी गुजरत आपसे पहले हम के कुछ हो जात। हम सिर्फ दुआ ही करी ने हम बाकी चाहत बारी के कोनो भी मुसीबत आप पे आवे से पहले हमरा पे आ जाओ। लेकिन यह तो मुसीबत हमरा हाथ से आप पे आवत रहे। आपके कुछ हो जाता हम का करती? हम दादी के का कहती माँ के का कहती हम खुद के का समझौती जब हम आपसे ही होना कहे बहनी कि हम आप हम आपकी सब काहे बता रहल बानी। आप थोड़ा ना समझब आपकी तो हर बात मजाक लगे ले। वेट 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 तू चाहत बड़ू के हम सीरियस हो जाई। ला हम सीरियस हो जात बानी। जोकिंग ठीक बा हम समझ रहल बानी फुगी तू का कहे चाहत बड़ू लेकिन गोली हमके लागत नहीं खे ना और लग भी कैसे सकत रह ले। तोहार दुआ जे हमरा साथे बा पाना तो तोहार दुआ के सामने ये गोली हमके कैसे लग सकत रहे। देखा हम अब भी जिंदा बानी। लुक एट मी आई एम अलाइव। चल अब रोल बंद करा फुगी। ठीक बा तोरा यकीन नहीं कि हो रहा बा कि हम यकीन तो होती हो कि हम तोरा से बात कर रहा बानी हालांकि तू हमार दिल के धड़कन के खुद ही सुन ला। कम तू डेरात का है बाड़ू हम कटअप थोड़ो